हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोजर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज हमारे पास दो नए प्रोडक्ट आए हुए हैं। यहां पे आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, दोनों के दोनों हेडफोन हैं, दोनों आंट ऑडियो के हैं। ये है 5500 और ये है 9900। जहां दोस्तों यहाँ पे आप अपने आंखों के सामने देख सकते हैं, ये है दोनों के दोनों हेडफोन। इनकी आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और दोनों में कितनी फीचर्स हैं, क्या क्या क्वालिटी है, कितना बैटरी है, कितना दोनों के प्राइस है, कहाँ से आप खरीदोगे, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अगर आप एक हेडफोन लेना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, उसके बाद ही कोई हेडफोन लेने जाना। तो यहाँ पे मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, चलिए हम दोनों की अनबॉक्सिंग करते हैं, हेडफोन ओपन करके देखते हैं, साउंड क्वालिटी, डिजाइन देखते हैं, लुक कैसा है, प्राइस कितना है, फीचर्स कितने हैं, सारी चीजें हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया यार, इस वीडियो को ना ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000 लाइक कंप्लीट कर देना यार। तो दोस्तों सबसे पहले ना हम 5500 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जहां दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके बाद हम 900 की अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पे आप हेडफोन की क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो लुक है ना सेम ऐसा रहने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ रेड वगैरह और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 300 mAh की जो है बैटरी मिल जाएगी और हाँ, ये आपको 12 घंटे का टॉक टाइम देगी। उसके बाद 10 मीटर का इसका रेंज है और यहाँ पे आपको मिल जाता है 40 mm का जो है ड्राइवर्स। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो, और बॉक्स के ऊपर इसकी जो प्राइस है ना, यहाँ पे आपको बता दूं तो है 3999। जहाँ दोस्तों मतलब कि करीब करीब 4000 रुपए, लेकिन इसकी जो रियल प्राइस है ना, वो सब मैं आपको जो है लास्ट में बता दूंगा कि आपको ये अमेजोन पे कितने रुपए में मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और इसका जो है साउंड क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। तो इसका जो सील पैक है ना, वो मैंने अभी अभी काटा था, तो इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले इसे ओपन नहीं करा। यहाँ पे जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये हेडफोन देखने को मिल जाता है। तो हम हेडफोन को निकाल लेते हैं यहाँ से, ये देख लीजिए हेडफोन निकाल लेते हैं, इसको करते हैं साइड में। उसके बाद देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमें कुछ यूजर मैनुअल और एक यहाँ पे केबल हमें देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है फाइनली हमारा हेडफोन। यहाँ पे आपको आंट ऑडियो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, ऊपर के साइड यहाँ पे लोगो, और आप इसे चाहे छोटा बड़ा कर सकते हो, आप अपने सर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ मतलब कि एकदम मुलायम सा दिया हुआ है, ताकि आप इसे जब लगाओ ना, तो आपके सर को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इस साइड भी आपको आंट ऑडियो की ब्रांडिंग और यहाँ पे एक लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रिमूव दिस लेबल एंड 4-2 आवर्स बिफोर यूज। जहाँ दोस्तों मतलब कि आपको इसे निकाल देना है और इसे 2 घंटे चार्ज करना है, उसके बाद आपको इसे यूज करना है। तो ये लेबल जो है मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली ना यहाँ पे मैंने स्टिकर हटा दिया है। यहाँ पे इसके कुछ वो जो स्टिकर जिसे ये चिपका था ना, वो लगा हुआ है, बाद में इसे साफ कर देंगे तो ये साफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड आप देखोगे, यहाँ पे आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम डाउन के बटन देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए इसका बैटरी खत्म हो जाता है, तो आप डायरेक्ट केबल लगा के जो है इसमें गाना सुन सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से इसे चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे माइक वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ये सारी के सारी इसकी फिजिकल ओवरव्यू है। और लुक की बात करोगे तो यहाँ पे लुक आप खुद ही देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, कितना धासु लग रहा है। अगर आप यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देख सकते हो, काफी कमाल लग रहा है ना। अब इसकी चलिए हम साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब फाइनली मैंने इसे अपने जो है मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लिया है। जहाँ दोस्तों अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक करा देता हूँ, आप सुनते ही खुद बोलोगे कि भाई एकदम मतलब की गजब का है। मैंने खुद चेक किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपकी बारी है, चलिए आप चेक कर लीजिए। कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी चीरेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कितना कमाल का साउंड था। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने जो है पूरा माइक पे ले जाके मैंने सुना भी दिया, कितना कमाल का ये बज रहा है, मतलब कि एकदम क्लियर HD जो है साउंड हमें ये मिल रहा है, एकदम मतलब मजा आ रहा है यार सच में सुनने में। और ये एकदम लाइट वेट है, जिससे आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने कोई हेडफोन लगा रखा है। तो चलिए हम दूसरे वाले हेडफोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाक से। तो दोस्तों ये है हमारा 9900। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, अभी से फाइनली हम अनबॉक्स करते हैं।
इसकी जो प्राइस यहाँ पे दी रखी है ना वो यहाँ पे कुछ ज्यादा है, 5999 मतलब करीब करीब 6000 रुपए बॉक्स के ऊपर इसकी प्राइस है। जैसा कि आप सभी को पता है सभी प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर जो प्राइस होते हैं लेकिन रियल प्राइस है थोड़ी अलग होती है, बॉक्स के ऊपर जो प्राइस होती है वो थोड़ा हाई होती है, रियल प्राइस थोड़ा कम होता है, तो इसका भी कम है। सब कुछ जो है दोनों का प्राइस मैं आपको एंड में बता दूंगा। यहाँ पे आप इसके कुछ फीचर वगैरह देख सकते हैं, सेम है 10 मीटर रेंज, उसके बाद यहाँ पे 32 ओम इंडिपेंडेंस है, और उसके बाद यहाँ पे आपको 300 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे म्यूजिक टॉक टाइम सेम है 12 घंटे का। तो इसे फटाक से मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने सील पे कभी अभी कट किया है आपके सामने, मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए। तो फाइनली ये बॉक्स को जो है ओपन हो चुका है। अब इसमें आप खुद देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो हेडफोन है ना वो ब्लैक कलर में है, तो इसका जो डिजाइन है ना पहले वाले हेडफोन से बहुत अलग है। यहाँ पे आप देख लीजिए मैं इसे निकाल लेता हूँ, ये है इसका डिजाइन। इसे पहले साइड में करते हैं, बॉक्स कॉन्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स कॉन्टेंट आपको सेम चीज देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सेम केबल देखने को मिल जाता है, एक केबल है इसमें आपको, जिससे अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो डायरेक्ट लगा के सुन सकते हो, और जो दूसरा केबल उससे आप उसे चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे बॉक्स के अंदर देखोगे आपको एक वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए ये है, इसकी थोड़ी सी प्राइस जो है हाई है। यहाँ पे ऊपर की साइड आप देखोगे तो आपको आंट ऑडियो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, और इस साइड में आप देखोगे यहाँ पे आपको एक आंट ऑडियो का स्टीकर देखने को मिल जाएगा, और इस साइड में हम देखे तो यहाँ पे आपको एक और आंट का लोगो बना हुआ है। और इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर बटन, वॉल्यूम प्लस और माइनस की बटन देखने को मिल जाती है, और यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं, और ये है आपका जहां से आप डायरेक्ट जो है गाना म्यूजिक लगा के सुन सकते हैं, और यहाँ पे इसके नीचे आपको एक माइक दिया गया है। और इसकी जो डिजाइन है ना वो पहले वाले हेडफोन से बहुत ही ज्यादा हटके है और बहुत ही ज्यादा अलग है, काफी कमाल का लग रहा है ये हेडफोन। आप इसे यहीं से बड़ा छोटा कर सकते हो, अगर आपका सर थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने सर के हिसाब से, और ये भी जो है काफी ज्यादा लाइट वेट है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा जो है वेट नहीं है, ज्यादा हैवी नहीं है, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी आप इसे जब यूज करोगे। तो इसका भी मैं पावर ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसे अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लिया है, अब इसे ले चलता हूँ मैं अपने माइक के पास और आपको इसकी साउंड क्वालिटी बता देता हूँ, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा दोनों हेडफोन के साथ। तो दोस्तों आपने इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर ली, मतलब कि यार एकदम धासु लाजवाब एक्स्ट्रा बेस और एकदम HD साउंड क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इसे अपने कानों में लगा के खुद सुनोगे ना तो आपको ज्यादा विश्वास होगा। यहाँ पे अभी तो माइक का साउंड आया है, उतना ज्यादा क्लियर नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप इसे अपने कानों पे लगा के जब सुनोगे ना तो आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, इतना कमाल किसकी साउंड क्वालिटी है। अब चलिए मैं आपको दोनों जो है हेडफोन को कंपेयर करके बता देता हूँ कौन सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो यहाँ पे आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं दोनों हेडफोन है। इसकी जो प्राइस है amazon.com पे अगर अभी जाओगे ना तो यहाँ पे ये आपको करीब करीब ये ब्लैक वाला 1600 रुपए में मिल जाएगा। जी दोस्तों 1600 रुपए में इसी पॉसिबल, और ये आपको 1100 रुपए के करीब अभी अभी मिल जाएगा, क्योंकि इस समय उनका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है आंट ऑडियो का, तो इसलिए आपको जो है कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप लेट करोगे ना तो आपको महंगे मिलेंगे, तो इससे अच्छा अगर आपको दोनों में से कोई एक लेना है ना तो ये वाला लेना। जी दोस्तों ये ब्लैक वाला थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है और इसका जो डिजाइन है जो लुक है ना वो उससे कई गुना अच्छा मुझे लगा, मुझे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और ये काफी मुझे जो है एकदम मतलब कि मजबूत लग रहा है यार, ठोस एकदम, और काफी अच्छा लग रहा है डिजाइन के हिसाब से। तो अगर आपको लेना है इन दोनों में से तो ये वाला मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आपका बजट कम है ना तो आप ये वाला भी ले सकते हो, ये भी काफी अच्छा है, लेकिन इसके दोनों के कंपेयर में ये वाला मुझे ज्यादा पसंद आया ब्लैक वाला। तो दोस्तों अब आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि दो दो चीज थी एक ही वीडियो में अनबॉक्स करना था, तो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो उसके लिए यार क्या बताऊं, फिर भी यार लाइक मारो यार, लाइक जितना लाइक मारोगे ना उतना ही मजा आ जाता है। तो अगर आपको दोनों हेडफोन में से कोई भी पसंद है तो यार लाइक मारो, आपको कौन सा रेड वाला या ब्लैक वाला कौन सा पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ अगर आप एक नए व्यूअर हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग, रिव्यू, सारी चीजें जो है देखने को मिल जाती है। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।